सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार सुजन क्लासेस में, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि लास्ट टाइम पर हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, जिसमें कि आज हम लेक्चर 18 में हैं। इससे पहले की 17 लेक्चर्स हमारी हो चुकी हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। यदि आप सभी चाहें तो वो लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की थी, जो कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। आज के इस वीडियो में हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें कि हम एंगलर एंड प्रांडल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम वो होता है जिसमें कि प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन उनके एंसेस्ट्री के बेस पर किया जाता है, यानी कि उनके एंसेस्टर्स में जो भी कैरेक्टर्स रहे होंगे उसके आधार पर प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए नोट डाउन करते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी स्टडी हम आज करेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंसेस्ट्री पर बेस्ड सभी पॉसिबल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को रिफ्लेक्ट करता है यानी कि एंसेस्ट्री पर उनके पूर्वजों पर आधारित जो भी उनके लक्षण होते हैं, जो भी उनका विकासवादी संबंध होता है उनके पूर्वजों से, अब के जो प्लांट हैं उनके पूर्वजों से जो भी उनका विकासवादी संबंध होता है, यानी कि जो भी उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, उसी क्या करता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उस रिलेशनशिप को प्रकट करता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं एंगलर एंड प्रांडल क्लासिफिकेशन की तरफ। एंगलर एंड प्रांडल क्लासिफिकेशन एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल ए ई प्रेंटल जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने अपनी बुक में होल वर्ल्ड के प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। जिसमें कि एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक के प्लांट्स को इंक्लूड किया गया, यानी कि इन्होंने अपनी जो बुक पब्लिश की जिसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें होल वर्ल्ड के सारे प्लांट यानी कि एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक के प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था इनके इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, चलते हैं एंगलर एंड प्रांडल क्लासिफिकेशन की आउटलाइन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एंगलर एंड प्रांडल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक आउटलाइन, जिसमें कि इन्होंने प्लांट किंगडम को एम्ब्रायोफाइटा यानी कि सीडेड प्लांट्स में बताया कि ये सीडेड प्लांट्स होते हैं। सीडेड प्लांट्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि थे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि ये नेट सीडेड थे और इनके सीड पर सीड कोट लगा होता था। जिम्नोस्पर्म के सीड्स पर सीड कोट प्रेजेंट नहीं होता है और एंजियोस्पर्म में जो भी सीड्स होते हैं उन पर सीड कोट प्रेजेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म को जितने भी ऑर्डर्स थे ये सारे इन्होंने कुल 7 ऑर्डर्स में इसे डिवाइड किया, जो कि था फर्स्ट साइकेडो फेलिकल्स, उसके बाद है साइकेडल्स, थर्ड है बेनिटिटल्स, उसके बाद है जिंके गोल्स, कोनीफेरल्स, कोऑर्डिटल्स एंड नीटल्स। इसके बाद एंजियोस्पर्म को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि थे मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट में कुल 11 ऑर्डर एंड 45 फैमिलीज इंक्लूड होती थी।
इनके इस क्लासिफिकेशन में एंड डाइकॉट में इन्होंने 44 ऑर्डर एंड 261 यानी कि 261 फैमिली को इंक्लूड किया। इन्होंने डाइकॉट को फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया जो कि थे आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी को हम पॉलीपिटेली भी कहते हैं यानी कि जिनके पेटल्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं यानी कि एक दूसरे में एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं, वो आर्किक्लेमाइडी या पॉलीपिटेली कहलाते हैं। और मेटाक्लेमाइडी को गेमोपिटेली भी कहते हैं यानी कि जिनके पेटल्स एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, उन्हें मेटाक्लेमाइडी कहते हैं। तो इन्होंने आर्किक्लेमाइडी को 33 ऑर्डर्स एंड मेटाक्लेमाइडी को 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। ये एंगलर एंड फ्रंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक आउटलाइन। इसके बाद हम इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं एंगलर एंड फ्रंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स ये एंगलर एंड फ्रंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वह फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में उसकी दिशा में इनका पहला स्टेप था यानी कि इन्होंने ही अपना पहला क्लासिफिकेशन दिया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के आधार पर यानी कि एंसेस्ट्री पर बेस्ड जो भी क्लासिफिकेशन होता है उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन एंगलर एंड फ्रंटल का ही था। दे क्लासिफाइड प्लांट्स ऑफ होल वर्ल्ड यानी कि इनका ये मेरिट था कि इन्होंने होल वर्ल्ड के प्लांट्स को अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया यानी कि होल वर्ल्ड में एक भी प्लांट छूटा नहीं था, सारे फैमिलीज के सारे ऑर्डर्स के प्लांट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था। थर्ड क्या है, जिम्नोस्पर्म वेयर कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव एंड प्लेस्ड बिफोर एंजियोस्पर्म यानी कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिम्नोस्पर्म को यानी कि नेक्स्ट सीडेड प्लांट को प्रिमिटिव माना और उसे एंजियोस्पर्म से पहले प्लेसमेंट दिया यानी कि अपने क्लासिफिकेशन में इन्होंने पहले जिम्नोस्पर्म को रखा उसके बाद एंजियोस्पर्म को रखा जो कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का मेरिट है, गुण है। फोर्थ क्या है, दे कंसिडर दैट ऑर्किड्स आर मोर डेवलप्ड देन ग्रासेस यानी कि इन्होंने यह माना कि ऑर्किड्स ग्रासेस से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं यानी कि जो भी ग्रासेस होती हैं वो कम डेवलप्ड होती हैं ऑर्किड्स के कंपैरिजन में, तो इन्होंने ऑर्किड्स को मोर डेवलप्ड माना था अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स में फर्स्ट क्या है, कंसिडर दैट यूनिसेक्सुअल आर प्रिमिटिव यानी कि इन्होंने यूनिसेक्सुअल को प्रिमिटिव माना जबकि इवोल्यूशन बेसिस के आधार पर यूनिसेक्सुअल को बाइसेक्सुअल से डिराइव कैरेक्टर माना जाता है जबकि इन्होंने यूनिसेक्सुअल को प्रिमिटिव मान लिया जो कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का डीमेरिट था एंगलर एंड फ्रंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। सेकेंड क्या है, एंजियोस्पर्म वेयर कंसिडर पॉलीफाइलेटिक ग्रुप यानी कि इन्होंने एंजियोस्पर्म को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप मान लिया जो कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का डीमेरिट था। थर्ड क्या है, एमेंटी फेरी इज एन एडवांस ग्रुप बट दे कंसिडर्ड इट प्रिमिटिव यानी कि एमेंटी फेरी जो एक ग्रुप था वह एक बहुत ही एडवांस ग्रुप था जबकि इन्होंने इसे प्रिमिटिव ग्रुप मान लिया जो कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का डीमेरिट था। सो फ्रेंड्स आज हमने एंगलर एंड फ्रंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जाना, उसकी आउटलाइन को देखा, उसके बाद हमने उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के मेरिट एंड डीमेरिट को भी जान लिया है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।